मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए। उनकी इच्छा तो बहुत दिनों से है ऐसी, उनकी इच्छा उन दिनों से है जिन दिनों उनके बेटे को जेल में डाला गया था। बीजेपी अश्विनी चौबे जी का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और बड़ी पार्टी है जिसके साथ हमारा अलायंस। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप कई बार ये कह चुके हैं कि 2025 का इलेक्शन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, फिर मुझे लगता है कि इन लोगों के बयान की कोई हैसियत नहीं रह जाती है, इनका अपना पॉलिटिकल कोई एजेंडा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच चुकी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि 2025 का जो चुनाव है वो बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाए और जो बीजेपी पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर जी। सर क्या कुछ कहेंगे अश्विनी चौबे के बयान पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप और जो बिहार जिनके हाथों में है बिहार के अध्यक्ष, कई बार ये कह चुके हैं कि 2025 का इलेक्शन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, फिर मुझे लगता है कि इन लोगों के बयान की कोई हैसियत नहीं रह जाती है, इनका अपना पॉलिटिकल कोई एजेंडा होगा। 2025 का इलेक्शन हम लोग एनडीए के साथ एनडीए लड़ेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इलेक्शन होगा और हम लोग 200 से ज़्यादा सीटें जीत करके आने जा रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे कि हमारी इच्छा है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, उनकी इच्छा तो बहुत दिनों से है ऐसी, उनकी इच्छा उन दिनों से है जिन दिनों उनके बेटे को जेल में डाला गया था। तो ऐसा नहीं होता, बीजेपी अश्विनी चौबे जी का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और बड़ी पार्टी है जिसके साथ हमारा अलायंस, और पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के नेता सब ये तय करते हैं कि किसके नेतृत्व में होगा और सब लोग ये तय कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। एनडीए मजबूत है सर? एनडीए बहुत मजबूत है और एनडीए विज़न के साथ मजबूत है, एजेंडे के साथ मजबूत है। हमारा एजेंडा बिहार की तरक्की है, लोगों की तरक्की है और बिहार के लोगों को पूरा अमन ज़िंदगी दे रहा है। नीट का जो पेपर लीक हुआ, लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पेपर अभी तक रद्द नहीं किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में और हम लोग कोर्ट से बड़े नहीं, और पार्टियों के अलायंस का मतलब ये नहीं होता है कि मुंह पे ताला लगा लिया जाए। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, बात करेंगे, हमारे अंदर झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए और देश को की सुरक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए हम लोग एकजुट हैं। संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है, उनकी पत्नी के साथ आपकी एनडीए पार्टी के जेडीयू के जो लोग हैं उनका फ़ोटो वायरल किया जा रहा है, चाहे जेडीयू के एमएलसी हो गए नीरज कुमार, उनका भी फ़ोटो वायरल किया जा रहा है। मैं बहुत माइक्रो लेवल पर बात नहीं करना चाहता हूँ इस इशू पर, पॉलिटिकल लाइन पर ये बात है, समझ लीजिए कि जो भी मुजरिम होगा वो बख्शा नहीं जाए। बिहार में लगातार एक सप्ताह के अंदर में 3 पुल गिर जाते हैं, सर इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पुल देखिए वो तो टेक्निकल वजह है, तो इंजीनियर लोग बताएंगे क्यों पुल गिरता है, क्यों पुल बनता है। और जहाँ तक ये बात है, अगर कहीं पे कोई करप्शन हुआ है, नीतीश कुमार ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के मामले में, और टेक्निकल क्या गड़बड़ी हुई है ये सब तो जांच का इशू होता है ना। तेजस्वी यादव तो ऐसा मान नहीं रहे, वो तो लिस्ट जारी की है कि एक दिन में 33 जगह क्राइम हुआ है बिहार में। तेजस्वी यादव जी की परेशानी यही है कि हर चीज़ के वो एक्सपर्ट बनने लगते हैं, वो चाहे लीगल मामला हो, टेक्निकल मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, सोशल मामला हो, इकोनॉमिकल मामला हो, हर मामले में एक्सपर्ट की राय वो खुद ही दे देते हैं। ये हमारी पार्टी में और बिहार के लोग इसको पसंद नहीं करते। जो टेक्निकल बात है वो टेक्निकल लोग करेंगे, जो पॉलिटिकल बात है आप कीजिए, जो लीगल बात है वो वकील करेगा, जो इकोनॉमिकल बात है वो इकोनॉमिस्ट करेंगे। सबके लिए जगह होती है ना, कि हर चीज़ में आप अपनी राय दे देंगे, लिस्ट जारी कर दे देंगे, और आप चाहते हैं कि आप जिस तरह यहाँ खेल खेल रहे थे उस तरह से खेल फिर से शुरू हो जाए। कह रहे हैं अब ये जंगल राज नहीं है, जो लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। जंगल राज की परिभाषा पूछिए उनसे, और उनको अच्छे से आता है, जब उनके माता पिता यहाँ जंगल राज चला रहे थे, अभी मंगल राज है ये।
अभी मंगल रहा था, लेकिन वो लगातार बिहार में अपराधी घटनाओं पे बोल रहे हैं सर कि क्राइम बढ़ते जा रहा है। नहीं, क्राइम देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि कोई क्रिमिनल है उसके साथ क्या सज़ा दी जाती है, कोई क्राइम करता है तो उसको छोड़ते हैं या अपने घर में बैठाते हैं या जेल भेजते हैं। नीतीश कुमार ने हर क्रिमिनल को जेल भेजा है और लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली ने हर क्रिमिनल को अपने घर में बैठाया, यही फ़र्क है और आप जानती हैं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के MLC खालिद अनवर जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।